नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। आज देश में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी मनाया जा रहा है। इसके साथ आज महानवमी भी है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं व मंत्रियों ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया, सभी देशवासियों को दशहरा की बधाई और शुभकामनाएं। ये पर्व अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। मेरी कामना है कि हर्ष और उल्लास का ये त्यौहार महामारी के प्रभाव से सबकी रक्षा कर देशवासियों में समृद्धि और खुशहाली का संचार करे। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, देशवासियों को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के इस पावन दिवस पर मां दुर्गा की नौवीं शक्ति देवी सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। मां सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से हर किसी को अपने कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी विजयादशमी की लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, विजय अंततः सत्य की ही होती है, आप सभी को विजयादशमी की शुभकामनाएं। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज LAC पर सेना के साथ दशहरा मनाएंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सभी देशवासियों को विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पावन अवसर पर मैं सिक्किम के नाथुला क्षेत्र जाकर भारतीय सेना के जवानों से भेंट करूंगा एवं शस्त्र पूजन समारोह में भी मौजूद रहूंगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।